दोस्तों, आपने कभी सोचा कि जो हाथी पानियों से खेलते रहते हैं अपने सूंड या ट्रंक से, अक्सर वो पानी को भर लेते हैं, तो क्या आपने सोचा कि उनके ट्रंक में कितना पानी हो जाता है? नहीं ना, ऐसे ही कुछ बातें और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम इस वीडियो में जनरल इन्फॉर्मेशन के तहत देखेंगे, सुनेंगे। मेरा नाम एस के सिंह और आप देख रहे हैं एडोटॉक इंडिया। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला जो मैंने आपको सवाल पूछा कि कितना पानी वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो हाथी अपने सूंड में लगभग 5 लीटर तक पानी जो है वो जमा कर सकते हैं या फिर भर सकते हैं। इसके अलावा अगले फैक्ट की तरफ बढ़े तो नॉर्मली आपने जो अंडे देखे होंगे, वो मुर्गियों के जो अंडे देखे होंगे वो पीले देखे होंगे, सफ़ेद देखे होंगे, कहीं कहीं ब्राउन भी आते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी आपने नीला अंडा देखा है? नहीं। तो नीला अंडा जो है वो चिली देश, एक कंट्री का नाम है चिली, तो चिली में जो मुर्गियाँ होती हैं वो नीले कलर के अंडे देती हैं। तो जो पसीना आता है हाथों में या फिर शरीर में कहीं पसीना आता है, कोई कलर होता है इसका? नहीं ना। मेरे ख्याल से हमारे जो पसीना होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन दरियाई घोड़े जो होते हैं, अगर आप इनके पसीने को देखेंगे तो इनका पसीना जो होता है वो पिंक कलर का होता है, यानी कि गुलाबी रंग का होता है। शायद आप कभी आगे से अगर देखें दरियाई घोड़े, तो उसके पसीने को देखने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसका कलर क्या होता है? तो उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। लेकिन एक ऐसी भी जीव है जिसका कलर जो ब्लड का होता है वो सफ़ेद होता है। वो कौन सा जीव है? वो है टिड्डे। टिड्डे नॉर्मली खेत खलिहानों या जंगलों में पाए जाते हैं, शहरों में थोड़े कम पाए जाते हैं। तो टिड्डों को देखिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रास हॉपर्स। तो ग्रास हॉपर्स जो होते हैं, इनका जो ब्लड का कलर होता है वो वाइट होता है। आप में से कई लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचे कि व्हाट्सएप स्टार्ट कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई? व्हाट्सएप की शुरुआत हुई है 2009 में। इसी तरह से आप में से कई लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन गूगल है। गूगल जो है उसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1998 में। फिर आप फेसबुक का भी इस्तेमाल करते होंगे, इतनी कॉमन चीज़ है, हर कोई आज के डेट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया में भी सबसे पॉपुलर फेसबुक है। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई है? 2004 में। एक और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिस पर शायद ये वीडियो आप देख रहे होंगे, वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब की कब स्थापना हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2005 में। एक और प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई है? 2010 में। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको इसमें फैक्ट्स बताए या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताए, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।